ततश्च वह पृच्छेयम् एवं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत् अमृष्टा अभियुक्ता। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। हे विश्वासपात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस श्लोक में तो परीक्षित महाराज वहाँ पर जो एकत्रित ब्राह्मण है तो उनसे शुंगदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि दो प्रश्न हैं जो कि हमें अपने जीवन में भी पूछने चाहिए। कि क्या दो प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, है ना? सभी परिस्थितियों में, तो ये इससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज, वैसे परीक्षित महाराज के पास तो सिर्फ 7 दिन बचे थे, तो परीक्षित महाराज ऐसा क्यों नहीं पूछ रहे कि केवल मुझे क्या करना चाहिए? उनका पहला क्वेश्चन यही है कि सभी परिस्थितियों में हर प्राणी को, हर जीवात्मा को करना ही क्या चाहिए, क्योंकि संसार में लोग मतलब क्या क्या नहीं कर रहे। केवल मतलब अगर संसार में भी हम देखें तो हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करने में बिजी है, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए, आप निश्चित रूप से ये बताइए कि वास्तव में करने योग्य क्या है। तो वो पहले दूसरों के बारे में पूछ रहे हैं और स्पेशली दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति का, मरणासन व्यक्ति मतलब मरण, जो मृत शैया पर है, जो मरने वाला है, जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में बताएंगे। और श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, इन दोनों में मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कि ठीक है, पूरे जीवन में जो कुछ किया, जो किया सो किया, पर अब जब हम, अगर कोई व्यक्ति मरने ही वाला है तो उसको तो हम बिल्कुल बिल्कुल निष्कर्ष ही बताएंगे ना, बिल्कुल सार बताएंगे कि भाई अब तुम ये काम कर लो, पूरा जीवन जो तुमने किया, अब जैसे कहते हैं ना कि अब कहाँ सुना माफ। या फिर इस श्लोक को एक और तरीके से समझा जा सकता है, और बहुत सिंपल शब्दों में इस श्लोक को अगर हम समझे तो क्या है, तो एक सॉन्ग है ना, वो क्या है, भूल गया, एक सॉन्ग है कि हाँ, हंसते हुए आते नहीं, क्या है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। बस ये सिंपल है कि संसार में आप कहीं पर भी देखें तो भागवतम भगवद्गीता भी ये कह रही है, दुख दोष अनुदर्शनम, हर व्यक्ति रो रहा है, मेरे पास ये नहीं है। और पर वास्तव में मतलब इस संसार में कुछ सामान इकट्ठा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये सब छूट जाएगा, है ना। और बल्कि जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, और जो हम, भगवद्गीता कहती है कि जहाँ से सुख आ रहा है वही हमारे दुख का कारण बने। नहीं, आप एसी चलाइए तो सुख है कि नहीं, पर कितनी देर एसी चला रहे हैं? जो 1 घंटा चलाएंगे तो 23 घंटे आपको बिना एसी के दुख भोगना है, नहीं?
और अगर 24 घंटे एसी चलाएंगे तो शरीर को दुख भोगना पड़ेगा क्योंकि शरीर में बीमारी आ जाएगी। और बल्कि 24 घंटे में एसी चला भी नहीं सकते क्योंकि बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो हर व्यक्ति अपनी पूरा जीवन कुछ नहीं कर रहा, वो केवल क्रंदन कर रहा है, वो केवल रो रहा है। पर कल एक भक्त से भी मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम हर परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं। हम हर परिस्थिति में जो एकदम से कोई हमारे पास चीज़ आती है तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो कह रहे थे मैंने केवल एक बात सीखी है कि रुक जाओ, रिएक्ट मत करो, तो कोई बात नहीं, अभी बस आप थोड़ी देर उस चीज़ को सहन कर लो, आप देखो वो चीज़ आराम से निकल जाएगी। रिएक्ट करने के चक्कर में, प्रतिक्रिया करने के चक्कर में हम उसका और नुकसान, हम अपना और दूसरे व्यक्ति का नुकसान और कर देते हैं। और बल्कि वो कह रहे थे कि उनका बहुत अच्छा अनुभव था, उन्होंने कहा कि अगर हम संतों का जीवन देखें, अगर हम किसी भी संत का जीवन देखें तो वो जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं अपने जीवन में, जो हम आपस में बात कर रहे हैं, वो तो ये सब बात ही नहीं कर रहे। उनके उनकी डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है जो हम अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं। वो तो हर परिस्थिति में खुश है, नहीं कोयला बेचा श्रीधर, वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे नहीं भाग रहे, वो केवल भगवान का नाम ले रहे हैं। संत तुकाराम, वो कोई बड़ा घर बनाने में नहीं लगे हुए, वो उनके घर में वैष्णव आए तो वो खुद अपने घर से निकल गए। यहाँ तक कि पाश्चात्य संस्कृति में तो अगर हम देखें एरिस्टोटल, वो भी आराम से अपना जो भगवान के सिद्धांत है उनको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इतनी समझ तो बाहर के पाश्चात्य देशों में जो विद्वान है उनको भी है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर इसी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति को क्या, उसका कर्तव्य क्या है। और श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात इसमें यहाँ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि इन दोनों में मरणासन व्यक्ति विषयक कि मरने के, जो व्यक्ति मरने के आसन पर है वो प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब हम कह सकते हैं कि हमें तो 50 साल 60 साल 70 साल जीना है, फिर हम मरने के बारे में क्यों बात करें? तो प्रश्न तो है ही। कई लोग कहते हैं कि भगवद गीता देखो नकारात्मक शास्त्र है, ये तो मरने की बातें करते हैं, भगवान भी कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम, क्या है यम यम वापी स्मरण स्मरण भावम, हाँ क्या है यम यम वापी स्मरण भावम, हाँ कि अंत समय में, कि शरीर के छूटने के समय में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें किसका स्मरण आएगा, वो इम्पोर्टेंट है, है ना। तो ऐसा क्यों, मतलब भागवत गीता या यहाँ पर भी भागवतम में भी, यहाँ पर भी परीक्षित महाराज ऐसा लग रहा है कि वो अपने बारे में पूछ रहे हैं, पर वो अपने बारे में नहीं पूछ रहे, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कौन व्यक्ति मरने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन मरने वाला है, सभी मरने वाले। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बिकॉज एवरी वन इज अ डाइंग मैन, हमें ऐसा लग रहा है कि हम मरेंगे, वैसे हमने बड़े आसानी से बोल दिया कि हर व्यक्ति मरेगा, पर एक्चुअली देखा जाए तो हर व्यक्ति मर रहा है। क्योंकि आप इस जो यहाँ पर जो संगत है आप उसी में देखिए कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, फिर बड़े बच्चे हैं, फिर जो कॉलेज जा रहे हैं वो हैं, जो जिनकी जो अभी युवा अवस्था में वो हैं, फिर जिनकी शादी हो गई वो हैं, और जो बूढ़े हो गए वो हैं। पर अगर हम देखें तो हमारा जीवन इन सब स्टेजेस से निकल चुका है, हम अब बच्चे नहीं रहे, हमारे जो क्लास टीचर थे, हमारा जो स्कूल था, सब छूट गया, नहीं जब हम क्रिकेट खेलते थे वो भी छूट गया, जब हम कॉलेज जाते थे वो भी छूट गया, वो समय भी ख़त्म हो गया, जो कॉलेज के समय हमारे फ्रेंड्स थे वो भी आज नहीं रहे, कई बार नहीं उनमें से भी कुछ फ्रेंड्स अब नहीं रहे,
फिर जिनका विवाह हो गया वो अपनी युवा अवस्था के बारे में सोचकर सोचते रहते हैं कि मेरी युवा अवस्था अच्छी थी, मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्रता दिवस भी है। तो आप देखिए कि इतना समय हम मर चुके हैं, नहीं मर नहीं चुके, वो सब समय खत्म हो चुका है। फिर कईयों के माता पिता चले जा चुके हैं तो वो भी खत्म हो गया। तो इस और व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति एक बार नहीं मरता, व्यक्ति बार बार मरता है, व्यक्ति बार बार मरता है। बल्कि कल रात में भी हम मर गए थे, हम रात में सो गए थे तो किसी को कुछ नहीं पता कि वो अगले दिन उठेगा नहीं उठेगा। और मृत्यु किसकी आती है? मृत्यु कभी उसकी नहीं आती जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो मर जाएगा। जिसके बारे में नहीं सोचा होता उसकी मृत्यु आती है, क्योंकि ऐसा प्लान है ही नहीं, वरना हम सब कह ही रहे होते कि हमारी आयु इतनी है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एवरी वन इज अ डाइंग मैन, ईदर वेरी शॉर्टली और आफ्टर 100 ईयर्स। और इतने समय में, इतना सुनने के बाद भी हम अपना जीवन चेंज नहीं कर पा रहे, तो यानी कि हम उस मृत्यु को स्वीकार ही कर रहे हैं। और इनफैक्ट भागवतम के अनुसार अगर हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वही है ना कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। अगर रात में सोते समय हमारे मुख पर मुस्कान नहीं है, अगर हम वही स्ट्रेस में सो रहे हैं, अगर हम वही चिंता करके सो रहे हैं, तो क्या है, तो श्रम एव ही केवलम, तो फिर क्या होगा, अगला जीवन चिंता में ही हमारा जन्म होगा, है ना। क्योंकि सोते समय इतना सब हमने कमाया किसके लिए, ताकि चैन की नींद सो से ले सकें, और चैन की नींद ही नहीं है। तो व्यक्ति मर भी रहा है, हर दिन मर रहा है वो, और यही वास्तव में यही सत्य है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीने से जीना भी वही व्यक्ति सीख सकता है जो एक चैन की नींद लेना समझ जानता है। उसमें भी कई लोग कह सकते हैं कि हम तो नशा करके, हम शराब पी के, हम तो खुश हैं, तो वो भी सत्य नहीं है। क्योंकि वो सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि नशा और शराब, हाँ, क्योंकि फिर हम अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए। और बल्कि इंसान नशे में तो जानवर बन जाता है, नहीं, वो तो खुद को ही भूल जाता है। और वो जिसको हम कहते हैं कि सोशल इनिबिशन, वो एक सामाजिक अपना ओहदा ही गिरा देता है। हम इसलिए देखते भी ना, जो लोग नशा करते हैं वो केवल अपना ही केवल उसका अपमान नहीं होता, उसके परिवार का, उसके समाज का, वो सभी का अपमान करके जाता है। तो इसलिए केवल नशा करने की बात नहीं, केवल खुश रहने की बात नहीं है, वास्तविकता यही है कि मृत्यु के समय, चलो रात में सोते समय जरूर चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, पर जब मृत्यु आएगी उस समय आप झूठ मूठ हंस नहीं सकते। मृत्यु आएगी तो, अगर मृत्यु आ गई तो उस समय आप, हम किसके बारे में सोचेंगे? हम उस समय कोई मेडिटेशन थोड़ी कर रहे होंगे, है ना, हम उस समय कोई मतलब समाज सेवा नहीं कर रहे होंगे, हम उस समय क्या प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहेंगे? नहीं। क्या उस समय हम धन एकत्रित करने के, मैंने कितना धन कमाया उसके बारे में सोचेंगे? नहीं, उसके बारे में तो केवल एक, उस समय केवल एक ख्याल आएगा कि मेरे मुंह में तुलसी पत्ता या गंगा जल डाल दो। नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी गति की मृत्यु के बाद वास्तव में हमारा जीवन शुरू होगा। और श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। अगर हम जीते जी भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाए तो मृत्यु के समय हमें डर लगेगा। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये दो प्रश्नों में भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि सवै पुंसा परो धर्म,
परम धर्म, परम धर्म है कि वैसे तो लौकिक धर्म और शास्त्रीय धर्म, लौकिक धर्म भी है कि हमें समाज में रहना है, शास्त्रीय धर्म शास्त्रों का पालन करते हुए हमें समाज में रहना है, पर वो एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, या किसी का स्वभाव शूद्र का हो सकता है, पर वो मायने नहीं रखता आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि हर किसी को बराबर फैसिलिटी मिली है, हर किसी को बराबर ये फैसिलिटी को कैसे बोलते हैं, सुविधा, हर किसी को बराबर सुविधा है भगवान के धाम जाने की। समाज, सामाजिक व्यवस्था इंपॉर्टेंट, सामाजिक व्यवस्था केवल समाज में रहने के लिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भागवतम में आ रहा है, सर्वे पुंसा परो धर्म, परम धर्म है कि भगवान से कनेक्ट होना। यहाँ पर लिख रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने सभी मनोधर्म, अपने सारे मतभेद छोड़ दो, जितने भी मतभेद हैं वो इस संसार में है, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो इस संसार में है, उनको वो डिफरेंसेस हमारे मतभेद भगवान से लेने देना नहीं है। वो जितनी भी आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप चाहे पूरे विश्व में देख लीजिए या कहाँ देख लीजिए, लोग आजकल बांग्लादेश बोल रहे हैं, पर बांग्लादेश नहीं है, वो लड़ाई घर घर में है, ये घर घर की लड़ाई है। अगर आप ध्यान से देखें, बांग्लादेश भी तो हमारा ही, हमारे देश का ही हिस्सा था, और हमारा देश भी तो पूरा संसार एक भारत था। वो देश बट बट के आज घर घर में लड़ाई है। किसी भी संस्था में देख लीजिए, कोई ऐसी संस्था नहीं जिसमें लड़ाई नहीं है ना। इसलिए ये किसी देश की बात नहीं है, किसी एक गुट की बात नहीं है, किसी धर्म की बात नहीं है, लोग धर्म का अर्थ ही नहीं समझे। जहां पर भी मतभेद है यानी कि वहां पर भगवान नहीं है। इसलिए एक कारण आज जो समाज में जो डिफरेंसेस हैं, उसका एक कारण ये भी है कि भगवान खुश नहीं है ना। एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम कहीं और देख रहे हैं। हम किसको देख रहे हैं, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, भगवान अर्जुन कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना और अपने परिवार को देख रहा हूं। कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है, धर्म की ग्लानी केवल एक परिस्थिति में होती है, जब मैं अपने को देखता हूं। जब मैं अपने को देखूंगा तभी तो मैं देखूंगा कि मेरा अपमान हो रहा है ना। क्योंकि सारे संत, इवन जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी का अपमान किया तो शिवजी ने क्या किया, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव क्या करते हैं, अगर किसी वैष्णव का अपमान हो तो वैष्णव वहां से उठकर चले जाते हैं, है ना। और वो ये कहते हैं कि फॉरगिव देम, कि उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है। जीसस ने भी ये बोला था कि फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव डन। तो एक वैष्णव हमेशा कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरों के कल, तभी वो मृत्यु के समय हंसते हुए शरीर छोड़ सकता है। हरिदास ठाकुर को कितने कष्ट सहने पड़े, पर हरिदास ठाकुर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हरिदास ठाकुर हंसते हंसते वो कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वास्तव में तुम, कि तभी हरिदास ठाकुर का शरीर लेकर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, ये वैष्णवता है ना। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परम धर्म यही है कि हम भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो संसार के सारे मतभेद अपने आप खत्म हो जाएंगे। और जहाँ इसका उल्टा कर देंगे कि जहाँ मतभेद है, जहाँ डिफरेंसेस हैं, वहाँ भगवान नहीं, वहाँ मंदिर नहीं है। जहाँ मतभेद है वहाँ मंदिर नहीं है, भगवान खुश नहीं है। सिंपल कंक्लूजन है। इसलिए मृत्यु को सामने रखें। मृत्यु के समय हम यही कहते हैं कि कहाँ सुना माफ़ करें, यही कहते हैं कहाँ सुना माफ़ करें, कि उसको बुलाकर ले आओ, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, कहेंगे ना मृत्यु के समय।
देखो, मरने से पहले मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यही वैष्णवता है, क्योंकि परमात्मा हमें यही अनुभव करा रहे हैं कि मतभेद केवल इंसानों में है, वो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, कि श्रील प्रभुपाद लिखे हैं, इनसे जो निष्कर्ष निकला वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। यही स्थायी कर्तव्य है जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे। महाराज परीक्षित तो जानते ही थे, वो केवल हमें समझा रहे हैं। अर्जुन भी कभी मोहित नहीं हुआ। अर्जुन तो हमारे परिपेक्ष में हमें समझाने के लिए, भगवत गीता प्रकट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मोहित हो गया, पर नहीं, वो हमारे लिए शिक्षा है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। किसका कर्तव्य? हमारा कर्तव्य। सारे ऋषि मुनि, सारे संत अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, और फिर भी हम केवल अहम ममैती में फंसे हुए हैं, कि मैं और मेरा। तो स्वतंत्रता दिवस यही है, स्वतंत्रता दिवस मैं और मेरे से निकलना है। स्वतंत्रता दिवस किसी देश से आज़ाद होना नहीं है, ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सबसे, जब 1922 में श्रील प्रभुपाद पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था कि तुम अंग्रेजी भाषा में भगवद गीता का प्रचार क्यों नहीं करते, तुम्हें तो अंग्रेजी भाषा आती है, तुम तो पढ़े लिखे हो। प्रभुपाद ने बोला था कि हमारा देश गुलाम है। प्रभुपाद ने बोला हमारा देश गुलाम है, मैं तो, बल्कि वो प्रभुपाद तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थे, वो तो स्वतंत्रता अभियान में शामिल होना चाहते थे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें बोला कि देखो, जीव आत्मा परतंत्र है, ये शरीर अभी कि आत्मा हमेशा स्वतंत्र है भगवान की भक्ति करने में, और ये शरीर परतंत्र है किसका? हमारी इंद्रियों का। हम हमेशा से, पहले भी हम परतंत्र थे, आज भी हम उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा हम अपनी इंद्रियों के परतंत्र हैं, और अपनी इंद्रियों की कामस्य, कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए एक्चुअली हम ये जीवन जी रहे हैं। तो ये परतंत्रता है, ये स्वतंत्रता नहीं है। हमारी शिक्षा क्या है? कि उस समय हम स्वतंत्र हैं जब हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए भगवान का नाम ले पाएंगे, और वास्तव में हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोच पाएंगे। बस ये स्वतंत्रता दिवस है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।